आईपीएल 2024 के आठवें मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस आपस में भिड़ेंगी। ये मुकाबला हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों ही टीमों को अपने अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस मुकाबले में पैट कमिंस और हार्दिक पांड्या की कोशिश पहली जीत दर्ज करने पर होगी। ऐसे में चलिए जानते हैं क्या है दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और क्या है इस मैच की पिच रिपोर्ट। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हेड टू हेड के आंकड़ों पर नजर डालें तो एमआई का पलड़ा ज्यादा भारी है। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें मुंबई इंडियंस ने कुल 12 मैचेस जीते हैं, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 मैचेस जीते हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 5 मैचों में मुंबई की टीम ने 4 बार जीत दर्ज की है। आपको बता दें, सनराइजर्स हैदराबाद ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक कुल 51 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उनकी टीम को 30 मैचों में जीत मिली है और 20 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच टाई भी रहा। हैदराबाद ने इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 13 मैच और बाद में बल्लेबाजी करते हुए 17 मैच जीते हैं। वहीं मुंबई इंडियंस ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक 12 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान एमआई ने 8 में जीत दर्ज की और 4 में उन्हें हार का सामना देखना पड़ा है। अगर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम अपनी फ्लैट विकेट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ शुरू में बल्लेबाजों को और बीच के वर्ष में स्पिनरों को मदद मिलती है और हैदराबाद में चेस करने वाली टीमों को ज्यादा सफलता मिली है। हैदराबाद के इस मैदान में आईपीएल के अब तक कुल 71 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 31 तो दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 40 मैचेस जीते हैं। ऐसे में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है। इस मैदान पर पहली पारी का एवरेज स्कोर 159 रन है, जबकि दूसरी पारी का 148 रन है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।